देश में कोरोना ने त्राहिमाम मचा कर रख दिया है। करीब 13 लाख से भी ज्यादा लोग आज देश भर में कोरोना से संक्रमित हैं और वहीं 32,063 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था और ये करीब 4 फेज में चला था, जिसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके तहत कई सारी छूटें हमें मिली थी। कई तमाम जो जगहें बंद थी उनको खोला गया और फिर से वो सुविधा जो पहले नहीं मिल रही थी उसे मुहैया कराया गया। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी जगहें थी जिसे अभी भी बंद रखा गया है, जैसे कि जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सभी को बंद रखा गया है। तो ऐसे में हम सबको ये इंतज़ार है कि कब शिक्षण संस्थान खुले, कब वो सिनेमा हॉल की रौनक वापस लौटे और फिर से जो कुछ चीज़ें अभी बंद है वो खुले और उन सुविधा को भी हम दोबारा उठा सके। हालांकि इस सिलसिले में गृह मंत्रालय ने ये बात कही थी कि अगर स्कूल और कॉलेज खुलेंगे भी तो जब तक जो बच्चों के अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं जब तक वो बताते नहीं कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे या उनकी राय ली जाएगी, तभी स्कूल या किसी भी शिक्षण संस्थान को खोला जाएगा। अब इसी विषय में देश भर में चर्चा चल रही है, गृह मंत्रालय भी इसके बारे में सोच रही है और अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। संभावना है कि 1 अगस्त से पूरे देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अनलॉक 3 को लेकर भारत सरकार कई स्तरों पर बातचीत भी कर रही है। अनलॉक 3 में सरकार शिक्षण संस्थान यानी स्कूलों को खोलने पर भी विचार कर रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सरकार ने अपना इरादा बदल लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि अनलॉक 3 में स्कूल और मेट्रो सेवाओं को शुरू करने की इजाजत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल और जिम जैसे सार्वजनिक जगहों को भी खोलने की इजाजत नहीं मिल सकती। बता दें कि मार्च में लगे लॉकडाउन के लगातार 68 दिनों के चलने के बाद उसे 31 मई को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद पूरे जून और जुलाई में अनलॉक 1 और अनलॉक 2 को व्यवहारिक तौर पर लागू किया गया, जिसमें मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह को खोलने की इजाजत भी दी गई। सरकार की कोशिश थी कि अनलॉक की प्रक्रिया लाकर बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। बता दें कि बीते सोमवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों से स्कूलों को खोलने के लिए सलाह मशवरा किया। इस दौरान कई राज्यों के अभिभावकों ने स्कूल को बंद रखने की सलाह दी। बता दें कि जून महीने में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा था कि स्कूलों को खोलने से पहले बच्चों के अभिभावकों से उनकी सलाह जरूर ली जाएगी। इसी के तहत अभिभावकों से बातचीत के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संबंधित विभागों को अभिभावकों की राय से अवगत करा दिया। जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि ज्यादातर अभिभावकों का कहना है कि जब तक वैक्सीन विकसित नहीं हो तब तक स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आज की स्थिति ये है कि पूरे देश में कोरोना ने एक भयावह रूप ले लिया है। हर दिन हजारों लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और इसी बीच में ये बात स्वाभाविक है कि स्कूल और शिक्षण संस्थान फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह होती है जहां भारी संख्या में छात्र और स्कूली बच्चे जमा होते हैं और बच्चों में भी संक्रमण का खतरा जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है और शायद ये कम्युनिटी स्प्रेड का भी रूप ले ले। ऐसे में अभिभावकों का ये राय देना कि स्कूल नहीं खोल सकते क्योंकि जब